यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वॉचिंग राव गेमिंग चैनल। और गाइस अपन खेल रहे हैं BeamNG.Tribe। तो गाइस पिछला वाला वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने नेका आपको बताया था कि कैसे नेका अपन नेका नॉट टू नॉट कॉपिल करते। तो उसमें नेका अपन ने चेन को नेका ज्वाइंट कहते हैं एक कॉन्क्रीट बैरर को, जिसमें नेका आपने कमेंट्स में बोला था कि है ना उसमें चेन ज्वाइंट हो जाता है बट उसको फिक्स नहीं रहता, मतलब वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। तो सॉलिड पोजीशन में कैसे लाने का, मैं उसके बारे में आज दिन का टॉपिक निकाल लेके आया हूँ और उसको कवर करते हैं और उसके बाद पे बात करते अपन कि कैसे करते हो। तो उसमें मैं अलग अलग टाइप्स का आपको निकाल कैसे आप बना सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। एक हो गया अपना फर्स्ट तो निकाल कंटेनर, उसके बाद में निकाल वो बॉलर्ड करके आता वो एक कर लेंगे और उसके बाद में रॉक्स करके वो भी कर लेंगे। सो गाइस ऐसे अपन स्टार्ट कर देते अपना आज का वीडियो। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस इधर प्ले पे क्लिक करेगा अपन और फिर बाद में नेका फ्री रोम पे क्लिक करके अपना वही वाला मैप, लास्ट टाइम जो अपन ने मैप लिया था कॉन्क्रीट बैरर के लिए, तो वही मैप ले लेता हूँ मैं, सेम मैप। तो गाइस इधर लोड हो रहा है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन दबा दो और चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब बटन दबा दो और ऐसे नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है जाकर कमेंट कर दो गाइस। तो गाइस इधर अपना मैप लोड हो गया है, देख सकते हो आप लोग स्क्रीन पे, तो बहुत जल्दी लोड हो गया। तो इधर मैंने कहा ये वाला व्हीकल डिलीट कर लेता हूँ और इधर आ जाता हूँ अपने एक परफेक्ट पोजीशन में जिधर मैंने लास्ट टाइम कॉन्क्रीट बैरियर लगाया था। तो वही अपन लोकेशन ले लेते इधर और इधर अपन ने कहा स्पॉन कर लेते कंटेनर। तो इधर व्हीकल्स में जाएंगे अपन, तो इधर नीचे साइड में कंटेनर होगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हो इधर छः कंटेनर हैं। तो इसमें नहीं क्या मैं ये वाला कंटेनर ले लेता हूँ, ये वाला सेकंड वाला, तो ये वाला कंटेनर ले लेते अपन स्पॉन कर लेते हैं। तो गाइज इधर देख सकते हो आप लोग कंटेनर अपना मैप में लोड हो गया है। तो जब अपना हो जाएगा तो इसको F11 खोल देते हैं ओपन वर्ल्ड एडिटर। तो इसको मैं रोटेट टूल से रोटेट करता हूँ और फिर बाद में इसको जरा नहीं क्या ट्रांसलेट टूल से मूव करता हूँ। तो गाइस उसके बाद आपको ने कहा शिफ्ट होल्ड करके ने कहा इसका क्लोन बना लेना, तो इसको क्लोन बोलते हैं। तो ये क्लोन बना लेगा अपन। तो जैसे ही आपका ये वाला काम हो जाएगा तो आपका कंटेनर आमने सामने होगा, देख सकते हो आप लोग। तो गाइस इसके बाद ने कहा आपको ये चेन जो है वो आपको स्पॉन कर लेना है। तो वो आपको मैंने ने कहा ऑलरेडी बताया कि चेन कैसे स्पॉन करते हैं। तो इधर जरा सा मैंने स्पॉन कर लिया है इसको और फिर बाद में इसको कुछ नहीं आपको मूव करना है और उसके नियर लेके जाना है, एकदम कंटेनर के नियर लेके जाना है। गाइस ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो गाइस फिर बाद में शिफ्ट से फ्री कैमरा पे आ जाना है और फिर बाद में ये देखो आप लोग को दिखाता हूं मैं। तो ये नॉट्स है, ये नॉट्स से आपको निका इधर लगा देना है। तो इधर निका अपन कंट्रोल पकड़ के नॉट निका लेफ्ट माउस बटन से करेंगे और फिर बाद में निका अपने व्हील माउस के व्हील बटन से अपन निका उसको जॉइन कर देंगे। तो गाइज ये देख सकते हो आप लोगों को ज्वाइन हो गया एकदम परफेक्ट। फिर परफेक्ट ज्वाइन करने के बाद आपको इधर दो काम करना होगा, आपको इधर है ना मतलब नीचे साइड में जाना होगा एकदम और फिर बाद में इसको लेकर आपको सपोर्ट के लिए लगाना होगा, ये नॉट जमीन में लगा दो आप। तो गाइज देख सकते हो मैंने कैसे नॉट जमीन में लगाया, आपको भी ऐसे सेम लगाना है। तो ये अपना सपोर्ट रहेगा, मतलब एकदम फिक्स सपोर्ट रहेगा इसका। तो इससे नहीं क्या मतलब कोई भी कंटेनर या कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्या हिलेगा नहीं, तो आपको भी ऐसे ही लगा देना है। तो गाइस जब ये लग जाएगा आपको फिर बाद में इसका स्ट्रेंथ चेंज करना होगा। ये देखो इसको कंट्रोल एफ माउस बटन दबाओ, फिर बाद में इधर आप देख सकते हो स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है। स्ट्रेंथ चेंज करने के लिए आपको है ना माउस का जो व्हील रहता है वो स्क्रॉल करना होगा ऊपर
और अगर डिक्रीज करना है तो नीचे स्क्रॉल करो, तो इंक्रीज करने के लिए आपको ऊपर करना है और डिक्रीज करने के लिए नीचे करना है। तो गाइस देख सकते हो एकदम टाइट एकदम लग गया है अपना ये, तो इसको अपन टेस्ट करेंगे। ये फर्स्ट वाला रहेगा, इसको टेस्ट करेंगे अपन। तो इधर मैं ये साइड में आ जाता हूँ और इधर एक गाड़ी स्पॉन कर लेता हूँ, फिर बाद में उस पर टेस्ट करेंगे अपन। तो इधर स्पॉन न्यू पे क्लिक कर लेते, ये ब्लू वाली गाड़ी ले लेते। तो गाइज अभी टेस्ट करके देखते हैं अपन क्या रिजल्ट आता है इसका। तो गाइज आप लोग देख सकते हो ये बाउंस बैक हो गया, मतलब एकदम फिक्स पोजीशन में था। तो देख सकते हो चेन अभी भी नहीं, क्या ये नहीं हुआ है। बट फिर भी मैं आपको सेकेंड टाइम वाला फिर से बताऊंगा इसको रिसेट करके आपको। तो ये जो था मतलब नॉर्मल था, तो आपको रिसेट करके और एक एक करके दिखाऊंगा तो सेम वही होगा। तो ये देखो, तो इस बार अपन ने कहा पीछे नहीं आगे रखेंगे इसको, तो इसके जो आगे वाले पार्ट पे उधर लगाएंगे अपन चेन को। तो पहले इसको डिक्रेस कर देते इसका स्ट्रेंथ। तो यार जब ये इंक्रीज स्टेट में रहता है, जब भी बहुत एकदम फिजिक्स इसका हाई हो जाता है और उसके वजह से निका पूरा गेम निका अनबैलेंस होता है। तो ये अभी इसको लेकर डिक्रेस में रखते हैं, फिर बाद में इंक्रीज करते। और ये देखो, तो इसके लिए आपको कंट्रोल दबाना होगा, कंट्रोल फिर बाद में नहीं का माउस बटन दबाना होगा, मिडिल माउस बटन। तो ये जॉइंट हो जाएंगे दोनों, तो फिर बाद में इसको नहीं का आपको मतलब सपोर्ट के लिए जॉ और नहीं का नॉड्स क्रिएट करना होगा। तो गाइस देख सकते हो इधर मैं नॉड्स बना रहा हूँ, तो ये सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप जमीन में लगा दो एकदम। जितना आपका कैमरा एकदम नीचे पोजीशन में रहेगा उतना बेटर मिलेगा आपको एंगल, तो कैमरा एकदम नीचे रखो। तो गाइस देख सकते हो इधर मैं भी कर दिया उसको, और ये कुछ ऐसा हो गया अभी। तो अभी गाइस इसको अपना स्ट्रेंथ चेंज कर देते हैं इसका। तो देखो मैं इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये जरा जरा बाहर आ रहा है, बट ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ इसको, तो इतना ही रखा हूँ मैंने। तो नेक्स्ट अपना फिर से व्हीकल ले लेते अपन, और अभी टेस्ट देखो। तो गाइज आई होप आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा होगा। तो गाइज देखो पहले वाला वीडियो देखो, पहले वाला जो था वो वाला कंटेनर ने का कितना शेक हो गया था, बट ये वाला शेक नहीं हुआ। आपको कुछ नहीं करना, आपको पीछे ने का नॉड्स लगाना है जिससे सपोर्ट मिलेगा इन लोगों को। और हर एक ने का कंटेनर का वीडियो बनाने के टाइम पे आपको रिसेट करना होगा और फिर से लगाना होगा। तो यही वो टेक्निक वापरते जो आप चेन वर्सेस कार का वीडियो देखते हो, उसमें यही टेक्निक्स होते। तो उसमें वन टाइम नहीं का एक ही बार में सब नहीं होता है, वो सब एडिट होता है।
तो आप जैसे वीडियो देखते हो कि एक ही बार में निकाह वो चेन आ रहा है, फिर बाद में ये हो रहा है, तो आपको भी वैसे ही करने के लिए एडिट होता है वो वीडियो। तो इधर मैं नेक्स्ट वाले इसमें निकाह ये ले लेता हूँ, दूसरा वाला वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ये सेकेंड पार्ट है इसका वीडियो का। तो इसमें अपन ने क्या ये वाला ले लेंगे। तो गाइज इसका भी मैंने बहुत देखा था यूट्यूब पे कि पब्लिक ये वाला भी डालते हैं, तो इसका भी आपको कुछ नहीं करना है। इसका पहला एक फर्स्ट वाला बना लो और शिफ्ट पकड़ के रख के क्लोन बना लो इसका, अपोजिट में रख दो उसको। फिर बाद में इसका ये होने के बाद आपको पेज अप करना है, पेज अप पेज डाउन उधर कॉर्नर में लिखा ही है तो उससे वो पेज अप हो जाता है, और फिर बाद में नहीं क्या वो ऊपर आने लगता है उसका जो है। तो सेकंड वाले को भी आपको टैप प्रेस करके नहीं क्या चेंज करना है, ये एक व्हीकल है जो इसको चेंज कर सकते हैं अपन टैप प्रेस करके। तो गाइज इसको सेम पोजीशन में ऑलमोस्ट कर देते हैं, और फिर बाद में अपन ने क्या वर्ल्ड एडिटर ओपन करते हैं। ओके गाइस, तो इधर पहले सबसे पहला अपने को वो लेना होगा, चेन लेना होगा, फिर बाद में वर्ल्ड एडिटर यूज करेंगे। तो इधर एक्सेल वाला चेन ले लेते बड़ा वाला। तो गाइस इधर बड़ा वाला चेन ले लिए, तो इसका ये जो लास्ट वाला पार्ट है उसको अपन थोड़ा ये साइड में एडजस्ट करने के लिए ले लेंगे, उसको क्लोज ले लो एकदम उसके। तो गाइस इधर फर्स्ट वाले पे मैं लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट मेरे शायद से फर्स्ट वाले को नहीं लगाना चाहिए, उससे अच्छा आप एक काम करो इसको थोड़ा तीन चार इसमें और आगे जाके कर दो, तो थोड़ा तीन चार छोड़ दो और बीच वाले को पकड़ लो, तो ये उसके अंदर फिट हो जाएगा। और सेकंड वाले को भी आपको सेकंड एंड को भी सेम करना है, उसका भी आपको सेकंड एंड लास्ट जो एंड वाला पार्ट है वो नहीं लगाना है, उसका थोड़ा आगे वाला पार्ट रहेगा वो लगा दो। तो देखो ये एंड वाला पार्ट नहीं लगाएंगे अपन, ये वाला पार्ट लगाएंगे, तो उसको आपको कंट्रोल दबा के लेफ्ट माउस बटन दबाना है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। तो गाइज ये एकदम ज्वाइन हो गया है। तो अभी क्या करना है आपको, इसका बाकी का जितना भी है वो सबको ने का आपको बाजू बाजू में ने का लगा देना, तो उसको जिधर आपका प्लेस मिलेगा आपको उधर लगा दो। तो सबको सेम कंट्रोल दबाना है, फिर बाद में लेफ्ट माउस बटन दबाना है, ग्राउंड पर ही लगाओ, मतलब एयर में मत लगाओ, हवा में मत लगाओ, तो ग्राउंड पर ही लगाओ इसको। तो सबको लगाओ इधर, देखो मैं लगा रहा हूँ एक एक करके। तो गाइस देख सकते हो इधर मैंने लगा दिया है, अभी इसका मैं स्ट्रेंथ चेंज करूंगा, तो गाइस एकदम क्लोज जाऊंगा एक कोई भी नॉड के पास, बिकॉज एक नॉट सबका स्ट्रेंथ चेंज कर देता है। तो इधर फर्स्ट वाले का स्ट्रेंथ चेंज कर देंगे अपन, तो बाकी सबका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो गाइस देख सकते हो ये एकदम लो हो गया है, तो इससे टायर वगैरह सब फूट सकते हैं। तो चलो अपन टेस्ट करके देखते हैं ये वाला इस बार। तो आप एकदम हाई भी रख सकते हो, मैं इधर लो रखा हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप लोग ये बॉलेट केस में ने क्या ऐसा होता है। तो गाइस इसमें आपको ने क्या यही नॉड करना होगा, सब में आपको नॉड ही करना है, अब आजू बाजू में सपोर्ट करना है उसको, और फिर बाद में ने क्या लास्ट वाला, अभी अपन मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट वाला, उसमें ने क्या स्टोन्स डालूंगा। तो गाइस ये देखो अभी स्टोन्स वाला आएगा, ये वाला हट रोक देता हूँ, बंद करता हूँ मैं, और फिर बाद में इधर आता हूँ। तो गाइस इसमें अपन ने क्या स्टोन्स लगा देंगे इस बार,
तो आप ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट्स लगा सकते हो। तो गाइज देख सकते हो इधर स्टोन्स है मेरे पास, तो गाइज ये वाला स्टोन मैं लगा दूंगा इधर। तो इस स्पॉन न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर बाद में वर्ल्ड एडिटर को खोलेंगे। उसके बाद ने क्या अपन ने क्या इसका शिफ्ट से क्लोन बना लेंगे और इसको रोटेट और एडजस्ट कर दूंगा मैं। तो गाइज देख सकते हो इधर मैंने उसको सेम ऑपोजिट में रखा हो, और फिर बाद में इधर ने क्या फिर से व्हीकल्स में जाते हैं और बाद में जाइंट चेन ले लेते अपना। गाइज जब आपका जाइंट चेन आ जाएगा तो उसको आपको ने क्या कंट्रोल होल्ड दबाना है और फिर बाद में कंट्रोल लेफ्ट माउस बटन दबाना है, फिर बाद में उसको ड्रैग करना है और फिर बाद में इधर ज्वाइंट कर देना है। तो आपने क्या एंड वाला पार्ट को ज्वाइंट मत करो, मैं वही बोलता हूँ हर टाइम। तो एंड वाला पार्ट को ज्वाइंट नहीं करना, आपको बीच वाला थोड़ा रहता है उसको ज्वाइंट करना है। तो गाइस जब आपका निकल नॉट ज्वाइंट करके हो जाएगा वो एंड पार्ट पे, तो आपको ये करना है। तो देखो जैसे मैं इसको सपोर्ट लगा रहा हूँ आजू बाजू में, तो आपको भी सेम निकल इसी तरीके के सपोर्ट लगाना है। तो गाइस देख सकते हो इधर मैंने सपोर्ट लगा दिया इसको। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आपको देखना है। देखो मैं इधर सपोर्ट लगा रहा हूँ, तो आपको भी सेम ऐसे सपोर्ट लगाना है। तो आप जितना अच्छा सपोर्ट लगाओगे उतना अच्छा आपका वीडियो बनेगा, तो उतना अच्छा आपका मतलब ये जो मेन निका ये रॉक्स वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो गया वो आपका उतना फिक्स पोजिशन में रहेगा। तो ये देखो मैं इसको ज़रा ये कर देता हूँ इधर सपोर्ट में। तो वैसे ये इजी नहीं है, इसको ज़रा हार्ड है, तो आपको ज़रा ने का इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा। इसमें आपको बराबर ने का कौन से साइड में सपोर्ट लगेगा वो आपको पता रहना चाहिए और उसका बैलेंस बराबर रखो। तो जैसे कि देख सकते हो ये रॉक को मैंने कितना बैलेंस डाल के रखा है, फिर भी ये ज़रा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। तो गाइज अभी इसका ने का देखते हैं, मैं इसको ट्राई करता हूँ ज़रा। गाइज देखो इधर ऊपर भी लगा सकते हैं अपन चाहिए तो गाइज ये लोग ऊपर ही लगाते हैं मोस्टली। तो ये देखो गाइस इधर रेडी है, और इधर अपन कार स्पॉन करेंगे और अपन टेस्ट करेंगे अपना जो अपन ने रॉक्स से लगाया चेन। तो इधर ने क्या अपन कार्स वर्सेस चेन रॉक्स करके नाम दे देंगे। तो गाइस टेस्ट करते ही वाला
तो गाइस ये वाला ट्रक ने क्या कुछ अलग है। तो यार इसका ने का जो पीछे वाला पार्ट है उसका टेक्सचर नहीं है शायद। तो गाइस ये ऐसा अजीबोगरीब लग रहा है। तो यार कोई बात नहीं, अपन ने का इसको ने का थोड़ा मस्त धासु बना देते हैं। इसमें रॉकेट लगा देते अपन पीछे, तो जब रॉकेट लगा देंगे तो एक नंबर लगेगा ये। तो गाइस एकदम स्पीड हो जाएगा ये, तो एकदम साउंड सुन रहे होगे एकदम। गाइस देख सकते हो इधर क्रैश वीडियो का टेस्ट देखो आप। भाई साहब, तो गाइस मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। बाय, सी यू, टेक केयर गाइस। और ऐसे ही नहीं का लाइक कर दो, वीडियो पसंद आया तो चैनल पे नहीं तो गाइस सब्सक्राइब कर दो, और नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है। बाय गाइस।